लेकिन वो इनमें से नहीं है। अच्छा, वो अगली नहीं नहीं अगली जो खेप जानी थी उसमें से। हाँ, 200 माहीगीर जो है वो रिहा किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ये आज अलामा इकबाल एक्सप्रेस के ज़रिए जो है वो लाहौर पहुँचेंगे, और कल लाहौर पहुँचेंगे, परसों जो है वो मुझे लगता है हैंड ओवर हो जाएंगे इंडियन अथॉरिटीज़ के, और ये सारे ले जाने का इंतज़ाम जो है वो ईदी फाउंडेशन के ज़िम्मे होता है हसबे जो है वो मामूल। और जो है इनमें एक हलाकत हुआ है, लेकिन इन 200 में से नहीं हुआ, एक जेल से एक आज लाश आई है हमारे पास जो नेचुरल डेथ की वजह से इंतकाल कर गए, और उसकी लाश अब हमारे पास 3 लाशें हैं जो कि जाएंगी वहाँ पे हिंदुस्तान इन माहीगीरों की। अच्छा, ये बताएंगे जो इंतकाल हुआ है, जो लाशें आई हैं उनकी क्या वजह थी? ये नेचुरल डेथ होती है, कोई मतलब कोई डिजीज़ की वजह से, या मतलब जो है वो हार्ट अटैक की वजह से जो है वो अमूमन मरते हैं। अच्छा, ये बताया जा रहा है 200 पहले माहीगीर रिहा किए थे। ये पिछली दफ़ा जो गए थे उनमें से 5-5 साल से जो है वो लोग जेलों में थे, जो कि बहुत लंबा अरसा है। इतनी लंबे अरसे तक जेलों में रहना जो है वो मेहनत कशों को मुनासिब नहीं है। इनमें भी होंगे 4-5 साल के होंगे, अभी मैंने पूछा नहीं है, अभी पूछेंगे, आप खुद भी पूछें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इसमें मस्जिद भी बताए जा रहे हैं 100 और मस्जिद माहीगीर जो 100 के करीब और हैं, जो कि इंशाल्लाह अगले 15-20 दिनों के अंदर जाने की तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से किस तरह इनको पहुँचाया जाएगा, कब तक ये वहाँ पहुँचे? ये बजरिया ट्रेन जाते हैं कराची से, लाहौर पहुँचते हैं दूसरे दिन, इसके बाद फिर इसके अगले दिन जो है ना वो इंडियन अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिए जाते हैं। पंद्रह के करीब पिछले दिनों आए थे इंडिया से, और उनमें 9 जो है वो मछेरे थे, बाकी पंजाब साइड के थे जो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस की थी, तो वो उनके घरों पे पहुंच गए, और कराची वाले भी जो है मतलब सिंध वाले जो थे वो भी अपने घरों पे पहुंच गए जो 3-4 दिन पहले आए थे। जायद इब्राहिम भट्टी, एडमिनिस्ट्रेटर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस कराची सिंध के अंदर जितने भी माहीगीर जो बसते हैं पूरी कोस्टल बेल्ट पे, उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और आज ये जो इवेंट है, या जो जज्बा खैर सगाली के तहत हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो इंडिया के 500 फिशरमैनों को रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया था, जो पहला बैच उनका 200 चला गया, आज ये दूसरा बैच उसका जा रहा है, और उसके जवाब में हमारे भी माहीगीर अगले हफ्ते सिर्फ 9 माहीगीर शूट कर आए हैं, और हमारे मज़ीद 97 माहीगीर हंड्रेड्स के करीब माहीगीर हैं जो वहाँ अभी भी इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में कैद है। तो देखें, पाकिस्तान ने हमेशा जो इनके माहीगीर या रहते हैं, आप देखें 500 की तादाद में छोड़ना ये एक जज्बा खैर सगाली होता है, लेकिन उसके जवाब में हमारे सिर्फ 9 माहीगीर आए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वजारत खारजा से भी हमारी, और होम डिपार्टमेंट से भी, जो होम मिनिस्ट्री हमारी, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं। देखो, ये माहीगीर चाहे दोनों तरफ का हो, चाहे वहाँ का हो चाहे वहाँ का, ये गुरबत की लकीर से बहुत नीचे होते हैं। जब ये वहाँ पे समंदर के अंदर कोई लकीर भी नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता है, हवाओं की वजह से, तूफ़ान की वजह से, मौजों की वजह से, ना चाहते हुए भी ये बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, वहाँ कैप्चर हो जाते हैं दोनों साइड पर। तो यहाँ के कोई 5 साल के बाद आता है, कोई 10 साल के बाद आता है गरीब। तो दोनों कंट्रीज़ को इन गरीब लोगों के लिए एक जामा पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर वहाँ पे ये गलती से कैप्चर हो जाते हैं दोनों साइड पे, तो इनको मामूली प्रोसेस से गुजार कर 2-3 महीना इनको अपने वतन वापस भेज देना चाहिए। ये देखें, हम आज अगले दफ़ा भी जब ये गए थे तो इनको हमने हर सर्विस, या हमारी जेल में भी इनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, आपने देखा भी होगा जो फिशरमैनों ने इंटरव्यूज दिया था। और ये अभी भी जो ये 200 आ रहे हैं, और मज़ीद 100 फिर एक महीने के बाद और मज़ीद 100 रिलीज़ होंगे। तो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा वो सपोर्ट करती है माहीगीरों को, चाहे वहाँ का हो चाहे यहाँ का हो। तो हम उनको कॉम्पेंसेट करते हैं पूरे रास्ते के लिए, इनके सफ़र के लिए इनको हम सामान मुहैया करते हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि लंबा सफ़र है, यहाँ ज़्यादातर वहाँ पे खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रिजन होते हैं तो उनको ओपनली छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए हम इनको सारा सामान प्रोवाइड करते हैं। और इंशाल्लाह ताला दोनों गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं कि इनके लिए कोई एक पॉलिसी बने जो ये जल्द से जल्द ये रिलीज़ हों और अपने वतन को वापस पहुँचे, अपनी फैमिलियों को वापस मिले। ये बहुत गरीब लोग होते हैं, आपके भी आपके उससे भी हम ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ मैं दोनों तरफ के माहीगीरों के लिए, कि इनके लिए कोई आसान पॉलिसी बना जाए, वो जल्द से जल्द ही अपने वतन वापस लौट सकें। अभी हमारा टाइम हो गया 2.5 साल हो गया। कौन सी जगह से आए थे? हम वोखा से आए थे, लापोर मंदिर से। मैं मच्छी पकड़ने के लिए आए थे समुंदर में, तो उसमें हम लोगों को पकड़ लिया था। हाँ हाँ, वीडियो क्लोज हो गया था, कुछ पता अभी सही है, अभी अच्छा लग रहा है। हाँ, 2.5 साल हो गया, 2.5 साल हो गया। अच्छा। मछली पकड़ देते समुंदर के पास, बॉर्डर के पास से पकड़ लिया हमको।
इंडिया में, ऊना में, जूनागढ़ जिला में, ऊना में, गुजरात में, गुजरात में। मेरा नाम उमेश है, बाप का नाम ओम प्रकाश है। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पाकिस्तान जेल लांडी में हूँ। हम उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ सर। पीछे भी अभी 2020 के बंदे पड़े हैं, वो लोग को छुड़ाने की कृपा करें आप, क्योंकि वो लोग हम लोग से पहले पकड़े गए थे और उनसे पहले वाले बंदे छूट के जा रहे हैं। वो लोग 80 बंदे अभी तक वहाँ पे जेल में हैं, पूरे 368 बंदे वहाँ पे रहे अभी जेल में, उनको छुड़ाने की कृपा करें सर। घर पे जाकर के तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हमको यहाँ पे अच्छा से रखा गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। परिवार में जाकर हमको खुशी हो रही है। मारू नाम से वसल लक्ष्मण। हम समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जब बॉर्डर पे आए थे, तब बॉर्डर से जब समुद्र में बड़ी बड़ी गहरे हो रही थी, तब हम बॉर्डर से पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस गए थे। इसलिए पाकिस्तान मरीन पुलिस ने हमको पकड़ लिया था, तब वहाँ से लाके हमको सिंध कराची में रखा था 2.5 साल से। गुजरात सोमनाथ। इसमें साले मंदिर नाम 42 महीना मेरे को हो गया, 42 महीना 40 और 2। ये 2019 में पकड़ा गया था, 6 तारीख को लांडी जेल में आया था। 42 महीने घर का रहा था, पता कुछ भी नहीं है, घर वाला कैसे है कैसे नहीं है मुझे कुछ भी पता नहीं है। और पाकिस्तान में हमको पकड़ लिया, उधर भी पाकिस्तान का लोग पकड़ता है, क्या मसला है ये? उधर भी पकड़ा जाता है, हम भी पकड़ जाते हैं 4 साल, किसी को 5 साल, बंदे को निकालते नहीं है, क्या मसला है? अगर दोनों की तरफ से पकड़े गए ना, दोनों तरफ से पाकिस्तान इंडिया एक हो जाएगा, माइग्रेंट को तकलीफ नहीं। और हमारा ऐसी बंदा उधर फंस गया है, उसका कुछ नाम नहीं है, कुछ कोर्ट में भी नाम नहीं है। और सब बंदा जा रहा है अभी, 200 बंदे सब नए बंदे, पुराना बंदा लांडी जेल में फंस गया है। तो ये लांडी जेल में ऐसी बंदे को तकलीफ है, वो फंस गया है, उसका किसी में नाम नहीं है। उसका 3 भाई है, कोई 2 भाई है, उसको 30 महीना 3 साल हो गया है। वो सब नए बंदे जा रहे हैं, जल्द से जल्द ऐसी बंदे का कुछ करो। वो बहुत परेशान है, रो रहा है भी उधर कि हम नहीं जा रहे, सब नए बंदे जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द ऐसी बंदे को निकालो इधर से। और हमको जेल की तकलीफ कुछ नहीं है, जेल का गवर्नमेंट सुप्रिंटेंडेंट सब अच्छी है, मगर हमारा मसला एक है कि ऐसी बंदे को जल्द से जल्द निकाल जाए लांडी जेल से। हम जा रहे हैं, हम भी खुशी है हमको, तो ऐसी बंदा भी जल्द से जल्द, अल्लाह करे उसके लिए भी कुछ करो, जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसको भी आज़ाद कराए। और 100 बंदे अभी इसके हमारे के बाद 100 बंदे का मैंने सुना है, 100 बंदा आने वाला है। तो 100 बंदे के साथ ऐसी बंदा भी आना चाहिए लाजमी। वो पुराना बंदा है, वो बहुत परेशान है, इसकी कोशिश करो जो हम बोलते हैं सुन ले। और आगे आज इसी बंदे का कुछ ना कुछ करे, ऐसी बंदा बहुत परेशान है लांडी जेल में, इसका कुछ ना कुछ करे, सही है? और हमको जेल में कोई तकलीफ नहीं, किसी को भी शुक्र अल्लाह पाक का कुछ तकलीफ नहीं। गुजरात से पकड़ा के, गुजरात का है, सही है? हमारा गांव सलाया नाम है हमारा गांव का, हमारा द्वारका जिला है और खंभारे तालुका है। सलाया गांव का हूँ मैं, गुजरात का हूँ, और मैं पकड़ा गया है 3। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुसैन वलीयत रहीम और मैं यहाँ पे जेल में पकड़ा गया था 10/12/20 को। करीबन हमको 30 महीने के ऊपर हो गए हैं और यहाँ पे 30 महीने से हम माहीगिरी 700 के करीबन यहाँ पे बंद हैं मलिर लांडी जेल में। हमारे से पहले 20 दिन पहले 200 बंदे गए और आज भी 200 बंदे और छोड़े गए हैं। अल्लाह से कहूँगा कि जो हमारे बाद भी जो बंदे जेल में बंद हुए हैं उन लोगों को भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए, मेरे ये भाइयों से गुजारिश है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ से जैसे बंदे माहीगिरी छोड़ रहे हैं, इंडिया की हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी माहीगिरी जो बंद पड़े हुए हैं उन लोगों को भी जल्द से जल्द इंडिया से पाकिस्तान वालों को रिहा किया जाए, ये मेरा कहना है। हम लोग आए थे, हमारा गांव है गुजरात और हम लोग बॉर्डर के करीब से पकड़े गए थे माहीगिरी।